तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस 17 के मंच में एक ऐसा कंटेस्टेंट भी अब पूछ चुका है जो लगातार मनोहर फारूकी के लिए वोटिंग अपील तो नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती उस समय पे निभाने के लिए आ चुका है जब मनोहर फारूकी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। हर एक हालात, हर एक घर के कंटेस्टेंट, हर एक बाहर के कुछ ऐसे खिलाड़ी लाके मनोहर फारूकी की गेम को डाउन करने की कोशिश की गई। वहीं पे बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैंड आ चुके हैं और उन्होंने खुले तौर पे स्टोरी शेयर करके खुले तौर पे बिल्कुल अपील कर दी है, वोटिंग अपील कर दी है कि हक से है मेरा भाई। और यहाँ पे उन्होंने जो टाइप किया है ये भी हम दिखा देते हैं, स्टोरी डाल दी है, वोटिंग अपील कर दी है। मीटर खींच के रख लाला, ट्रॉफी आ रही ना, तो ट्रॉफी आ रही है। और इसी के अंत उन्होंने कह दिया कि हक से बिल्कुल, तो एमसी स्टैंड ने भी अपना भरपूर सपोर्ट जिस हिसाब से उन्होंने स्टोरी डाल के इस मूवमेंट पे कहा है कि लाला मीटर खींच के रख, घबरा मत। यहाँ पे अगर हम देखें करण कुंद्रा हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या जितने भी लोग हो के बहुत से आरोप लगे, गिराने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन अब कुछ ऐसे दोस्त जो दोस्ती निभाने के लिए सामने खड़े हो गए मनोहर फारूकी के और कह रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे लॉकअप सीजन के भी कुछ कंटेस्टेंट है, शिवम शर्मा हो या फला अनाज हो या बाकी लोग, जैसे एमसी स्टैंड बड़ा नाम, करण कुंद्रा बड़ा नाम, प्रिंस नरूला बड़ा नाम, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब धीरे धीरे सभी लोग सामने आ रहे हैं और एक वोटिंग अपील कर रहे हैं अपने दोस्त को ट्रॉफी जिताने के लिए। और कहीं ना कहीं निजी जिंदगी भी इनकी काफी जुड़ी हुई है, एमसी स्टैंड हो या फिर मनोहर फारूकी हो, काफी म्यूजिक वीडियो करे हैं ग्राउंड में स्टार्टिंग के, काफी इनके जो आपने भी देखा होगा कि एमसी स्टैंड कैसे आते हैं बस्ती से, वैसे ही बर्तनों की दुकान पे काम करके अपनी निजी जिंदगी को सही करने के लिए जुटे रहे नौकरी करते हुए मनोहर फारूकी, जहां पे उन्होंने कई अपनी ऐसी कहानियां बताई कि जब वो करवट बदलते थे तो उतना छोटा घर था, वो घर से बाहर आ जाते थे, निकल जाते थे, ये चीजें भी उन्होंने कई बारी कही है। तो हमारे साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, प्लीज टीम हमारे साथ साई को जोड़ा जाए, इस मूवमेंट में बात होनी चाहिए, बिग बॉस 16 साई के साथ मैंने बहुत बात करी है। साई आप हमें सुन पा रहे हो? साई हेलो। हां अनवर भाई हेलो। साई क्या कहेंगे, मीटर खींच के रख लाला बोल दिया एमसी स्टैंड ने, बड़ा नाम। हाँ बहुत बड़ा नाम अनवर भाई, आपने पहले भी एक चीज जब हम 16 देखते थे तो आपको पता था एक मुनावर फारूकी करके, मतलब मुनावर फारूकी उस टाइम पे भी सपोर्ट करते थे एमसी स्टैंड को। हमने ये भी देखा था फिनाले में खुद अपनी गाड़ी में लेकर एमसी स्टैंड को लिया था ट्रॉफी लेकर। तो इस सीजन में भी अनवर भाई अब स्टैन आ गया है, ठीक है। आपको पता है अनवर भाई, हमने जब ग्राउंड रियलिटी की थी, स्टैन की पब्लिक ग्राउंड लेवल पे कितनी बड़ी थी, ठीक है। हमने इस सीजन पे भी देखी है कि मुनावर फारूकी की पब्लिक कितनी बड़ी है। अभी आपने बताया कि बड़े बड़े नाम जो अभी मुनावर को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस टाइम पे स्टैन का सपोर्ट करना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अभी दो हफ्ते की गेम बची है। इस टाइम पे सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको पता है इस टाइम पे ही जरूरत है मुनावर फारूकी को। और अपने भाई के नाते उसने अपने भाई का फर्ज निभाया, उसने बोला हक से गैंग और मुनावर फारूकी का नाम लिया और मीटर खींच के रख, ट्रॉफी आ रही है। और जब ये वीकेंड के वार पे भी, अभी जब वीकेंड के वार पे भी आए थे मुनावर एमसी स्टैंड, तब भी उन्होंने बोला था कि मुझे पता है भाई तू जीत रहा है। और उन्होंने बोला था कि जो उनको प्यार से वो मुनावा भाई बोलते हैं, मुन्ना भाई बोलते हैं, तो वो प्यार से उनको मुनावर भी मुनावर भाई बोलते हैं, मुनावर भाई, तो उनका वो जो प्यार का दिख रहा था और उनकी स्माइल दिखती है और दोनों की जो फोटो आपके पीछे लगी है अनवर भाई, तो इससे दिख रहा है अनवर भाई कि ट्रॉफी आ रही है। और 28 तारीख को जब बर्थडे होगा तो वो चाहेंगे कि, क्योंकि दोनों एक बस्ती से, अभी आपने बताया बस्ती से और एक डोंगरी से आया है, तो ये दोनों इन्होंने बहुत मेहनत की है। एक आर्टिस्ट है, एक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो ये दोनों जब साथ में होंगे और 28 तारीख को ये जब इस बार स्टैंड, और एक न्यूज निकल के और आ रही है, मैं आपको बता दूं, एक न्यूज और निकल के आ रही है, काफी न्यूज निकल के आ रही है, तो धड़ाधड़ी न्यूज को भंडार हो गया है। यहाँ पे एक न्यूज निकल के आ रही है कि यहाँ पे ऑर्मेक चार्ट भी आ गया, जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, नंबर 1 पे है, 13वें हफ्ते का चार्ट है। और यहाँ पे अगर हम ऐड करना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 हफ्ते के, हर एक हफ्ते के अंदर मनोहर फारूकी ने बाजी मारी है, सब चार्ट के अंदर नंबर 1 है, 13 हफ्ते तक नंबर 1 बने हुए। एक और न्यूज निकल के आ रही है, एक न्यूज और है कि मीटअप होने वाला बॉम्बे में, सभी सेलिब्रिटी एमसी स्टैंड, करण कुंद्रा और काफी बड़े नाम उस मीटअप पे दिख सकते हैं। तो इस मीटअप का कितना योगदान रहता है वो हमने ओटीटी सीजन 2 में देखा है। मीटअप होने वाला है, क्या कहेंगे इस पे, कोई बड़ा मीटअप है बॉम्बे में? एग्जैक्टली अनवर भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा मीटअप है, जिसमें पोस्टर्स सदाकत भाई ने बोल दिया कि एक मीटअप होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे अनवर भाई ओटीटी पे भी हमने देखे थे, जब अभिषेक मीटअप करने लग गए थे, स्टार्ट हो गया था, हमने देखा था कि मीटअप स्टार्ट हुआ था, तो इस सीजन में भी अब मीटअप हो रहे हैं स्टार्ट। और मीटअप पे आपको पता है अनवर भाई की पब्लिक
मुनावर की ग्राउंड लेवल की पब्लिक जो होगी वो बहुत खतरनाक पब्लिक होगी, बहुत शोर होगा, टिकटे बहुत ज्यादा, पता नहीं टिकटे का क्या होगा, टिकटे बहुत ज्यादा बिक जाएगी और मतलब क्राउड। लेकिन अभी टिकटों का नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता कि वो टिकटों का होगा, वो ग्राउंड पे होगा, फ्री होगा, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन एक मीटअप होने वाला है, एक मीटअप होने वाला है और उसके अंदर काफी बड़े, तो अगर मीटअप पे एमसी स्टैंड आ गए परफॉर्म कर दिया क्या होगा जलवा? अनवर भाई एक नेक्स्ट लेवल क्राउड होगा, क्योंकि मुनावर और स्टैंड पब्लिक अगर मिल गई तो आपको पता ही है, तो ये तो अलग लेवल का मीटअप होगा। आज तक पूरे सीजन में ऐसा मीटअप तो देखा भी नहीं होगा, क्योंकि हमने मीटअप बहुत सारे देखे अनवर भाई पिछले सीजन में, दो दो तीन तीन मीटअप, चार चार मीटअप देखे, बट अगर यहाँ पे स्टैंड आ जाता है, स्टैंड अगर आ जाता है तो स्टैंड पब्लिक साथ में मुनावर की अपनी पब्लिक जुड़ गई एक बारी, तो ये मीटअप नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। कंट्रोल मेरे को लगता है कंट्रोल करने में नहीं आएगा कि क्या पब्लिक होगी, मैं कुछ नहीं मान सकता, क्योंकि एक कम से कम 8-9 लाख पब्लिक आ जाएगी, मैं मान ही नहीं सकता। नेक्स्ट लेवल क्राउड होगा भाई, नेक्स्ट लेवल क्राउड। तो ये आप देख रहे हो, तो प्लीज आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। एक ये अपडेट थी आप तक लेके आनी थी, बिग बॉस 17 के मंच में एमसी स्टैंड भी उतर चुके हैं, उन्होंने भी अपील कर दी अपने चाहने वालों को, अपने हार्डकोर, अपने कट्टर फैन को, कि एमसी बिल्कुल मुनव्वर फारूकी के लिए वोट करें और बिल्कुल मीटर खींच के रख लाला ट्रॉफी आरीना। तो ये उन्होंने कहा है अपनी एक स्टाइल के अंदर, और बहुत ही अच्छा इनके गोंड है, काफी म्यूजिक वीडियो भी करे हैं, तो देखते हैं अब ये वोटों में कितना बदल पाता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, ऐसे हम अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, बने रहे, जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे प्यार बनाए रखें।